हेलो ना पब्लिक। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई क्या हाल है आप सभी लोगों के, एंड वेलकम बैक। क्या हाल चाल। तो गाइज हम लोग वापस आ गए हैं एक और पोकेमॉन एश ग्रे के खतरनाक वाले एपिसोड के साथ। सो गाइज जैसा कि आप लोगों से सभी लोग क्या बोल रहा हूँ यार, मैं फम्बल भाई करने लगता हूँ भाई आते। सो गाइज आज हम लोग खेल रहे पोकेमॉन एश ग्रे की जो कि जर्दी है ऐश की जर्नी हम लोग जी रहे हैं। अभी अपना आधा सफ़र तो पूरा हो चुका है, पर यार अभी और भी बहुत ज़्यादा सफ़र आगे बहुत बाकी है जो अपने को पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं करूँगा कंप्लीट। सो यार देखते रहना पोकेमॉन एश ग्रे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है भाई क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, तो अभी कभी जाओ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का उसको दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो, ऑल पर रख दो बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर मेरा नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आना मांगता है कि नहीं, इसलिए। और अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी बहुत सारे लिंक्स आते रहते हैं, है कि नहीं, ताकि उधर भी सब जगह आना चाहिए नोटिफिकेशन, इसलिए ठीक है। मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते तो उधर भी हो सकता है, टॉकिंग विद चैम्पियन। सो गाइस आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखे तो क्या कर रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर देख के आ जाओ भाई। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। हाँ पांडू व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो, प्ले द इंट्रो। ये कौन सा पोकेमॉन है? सो गाइस इंट्रो तो प्ले हो चुका है, सो फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के एपिसोड को। और गाइस जिस जिस लोगों ने लास्ट एपिसोड के पोकेक्विज के आंसर बराबर दिए थे, एकदम एक्यूरेट करक बहुत बढ़िया जॉर्ड आंसर दिए थे, उन सभी के नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। सो वेल डन बॉयज, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार आपको। और आज के पोकेक्विज का आंसर भी देते रहना ऐसे ही, और जिसने आंसर गलत दिया भाई उसको तो भाई फुल पेलम पाल, मैं उनका भी नाम डालूंगा अभी जिसने गलत आंसर दिया। चलो कोई ना गाइस आप स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड। वैसे हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पर टीचर्स जो भी स्कूल था वहाँ पर आए थे, वहाँ पर एक लड़का भी था जिसको मैथ चाहिए था, उसको मैथ भी पकड़ा के दे दिया अपन ने। चलो अभी हम लोग जाएंगे आगे, देखते आगे क्या है, क्या है क्या भाई इधर, ये क्या है, रोड पुलिस स्टेशन। ओके ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में तो कोई भी नहीं है, कैसा पुलिस स्टेशन है भाई ये। अच्छा तो मशीन है ना, मेरे को पोकी डॉल डालनी है अभी अंदर, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे कुछ कुछ ऐसे आइटम्स है जो मेरे को नहीं चाहिए वो मैं अंदर डाल देता हूँ, पर मेरे को मेरी पीसी में चाहिए ना। हाँ क्या क्या है, आइटम स्टोरेज डिपॉजिट आइटम, ओके रेयर कैंडी भी डाल देता हूँ मैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, ये डॉल भी नहीं चाहिए, स्टिक भी कुछ काम की नहीं है मेरी। ये ब्लू शेड का क्या करूँ मैं, टू फॉर्म सम शॉर्ट ऑफ अ टूल मेड लॉन्ग, क्या है भाई कुछ काम का नहीं है, भेज दो इसको। चलो मशीन के अंदर थोड़े बहुत अपने सामान डाल दिया अपने, ताकि अपने बैग थोड़ा भारी हो गया था भाई, इसलिए थोड़ा बैग को थोड़ा ये लूज कर रहे थे अपन। चलो आगे चलते हैं अभी। अरे अरे स्टॉप थीफ, अरे अरे ये कौन आ गया, वॉट वंडर ऑफ द वे द किड, अरे भाई चोर है भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा भाई, चोर है ये साला, चोर कहीं का बहन की, इसको पकड़ेंगे, चिंता मत करो इसको पकड़ेंगे, अपना बल्बसौर संभाल लेगा इसको, बल्बसौर स्लिप पाउडर भाई मिस मत कर बे, क्या कर रहा है तू भाई, मिस हो रहा है भाई तेरा अड्डा, वो फ्यूरी स्वाइप मारेगा भाई खतरनाक वाला। चल चल बल्बसौर, कम ऑन स्लिप पाउडर। और अभी इसके बाद यू ऑल नो कि हम लोग क्या करेंगे, सोलार भीम, मेरे को पता है ज़्यादा लगेगा नहीं इसको क्योंकि ये 30 लेवल लगेगा सकता है क्योंकि मैं इससे 10 लेवल ज़्यादा बढ़ा है ना, देखते कितना डैमेज होता है। सोलार बीम एनर्जी पूरी इकट्ठी कर ली है बल्बसौर ने, पूरी सन की पूरी एनर्जी इकट्ठी कर ली, और अभी सोलार बीम मारने जाएगा। सोलार बीम से मेरे को हाइपर बीम अच्छी लगती है, क्योंकि सोलार बीम बहुत टाइम लगेगा भाई, हाइपर बीम रहेगा तो भाई बहुत बढ़िया है। अरे मार दिया रे खतरनाक भाई, सोलार बीम जॉड है भाई, नहीं चेंज नहीं करना भाई इसको, पहले लेवल 30 43 का करना है मेरे को,
वापस से मैं आओ ब्याह तो भाई वन शॉट मरेगा वापस से। सोलार बीम इकट्ठी कर चुके हैं, अभी इसको सोलार बीम पड़ेगी ऐसा। मैं फिंच मत हो, हाँ नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। मेरे को लगा भाई फिंच बिंच हो जाएगा भाई, ये पकड़ा गया तो भाई हो जाएगा भाई, कोई चीज नहीं भाई। चोर को पकड़ लिया, मतलब चोर के दोनों चोर को हरा दिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, चोर को पकड़ा गया हम लोगों ने इधर। अरे ये क्या हो गया, अरे इतने सारे ग्लावलेट, होल्ड इट। ऑफिसर जेनी आ गई, हाँ ऑफिसर जेनी पकड़ लो इसको, पकड़ लो। जस्ट व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग इंटरफेयरिंग विथ अस, दिस इजंट अ थीफ, ही इज अ पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग फॉर K9 ऑफिस यूनिट। ओ इसके भाई तो पुलिस चोर चोर को चिल्ला रहे थे पागल जैसा, चोर चोर क्यों चिल्लाना है। डोंट वरी ग्रावलेट वॉन्ट अटैक अनलेस आई ऑर्डर देम टू। अच्छा भाई, अच्छा तो ग्रावलेट की ट्रेनिंग चला शायद से। जस्ट रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी डेंजरस टू हैव अ पोकेमॉन टेक एन अराउंड आर्म्ड पोकेमॉन अनलेस इट हैज अ स्पेशल ट्रेनिंग। ओके तो नर्स जो इधर थी ना बे, नर्स ऑफिसर जेनी, चलो इससे ना थोड़ा अपनी भी ट्रेनिंग करवा देते बे, करा लेते। यस यस हमको भी थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए बे, क्योंकि इनके इसके ग्रावलेट बहुत तगड़े। अरे मैं ग्रावलेट के सामने बल्बसोर को रखा है, अरे क्या पागल आदमी है बे मैं, मेरे से ज़्यादा पागल कोई नहीं है भाई। ग्रावलेट के सामने बल्बसोर को रखा है मैंने, पर मेरे को इतना दिक्कत नहीं है, डर नहीं है भाई, डर नहीं है अपने बल्बसोर को, डर नहीं है, देख रहे हो कैसे डर ही नहीं है भाई। ये क्या था, डर ही नहीं है भाई, डर ही नहीं है अपने बल्बसोर को, देख रहे हो फायर वर्सेस ग्रास चल रहा है और अपने बल्बसोर का डर ही नहीं है। अपना बल्बसोर खतरनाक है बे, तुम लोग को क्या लगता है कमेंट में बताओ, क्या अपना बल्बसोर खतरनाक है कि नहीं है, अभी क्या वजह कमेंट में जाके बताओ मेरे को, बल्बसोर खतरनाक है कि नहीं है। मेरे को लगता है खतरनाक भाई, खतरनाक से भी बड़ा खतरनाक है अपना बल्बसोर। मैं सोलार भी मार सकता है, पर वो मेरे को डर लग रहा है इस बात का कि भाई वो नेक्स्ट मूव में अपने को ही नहीं मार दे, क्योंकि एक मूव तो अपना ऐसे ही वेस्ट जा रहा है वैसे भी भाई। फ्रस्ट्रेशन ग्रावलेट को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्या। मैं नेक्स्ट मूव अभी गीगा ट्रेन मारेगा, रुको जरा, मैं हेल्थ बहुत कम है, थोड़ा सा मतलब कम तो है, गीगा ट्रेन तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा हेल्थ जाएगा पूरा का पूरा। नहीं नहीं चेंज नहीं करना बे बल्बसोर, डर मत मैं है भाई। इसके पास ग्रावलेट है क्या भाई। अच्छा इनके लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मैं अभी देखा इनके ना धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहे हैं। गीगा ड्रेन कर भाई, बहुत बढ़िया भाई, गीगा ड्रेन इफेक्टिव है इससे ज़्यादा तो। टेक डाउन, अरे भाई क्या ग्रावलेट है बे भाई, इसका अटैक मिस हो रहा भाई, क्या गुंडा बनेगा भाई ग्रावलेट, ऐसा ट्रेनिंग चल रहा है तेरा अटैक मिस हो रहा है बंदे का, छी भाई। अरे हो जाएगा कि नहीं अपना बल्बसोर आज। अच्छा एक और मैच लड़ना पड़ेगा भाई, लास्ट मैच है ये बल्बसोर को, उसके बाद मैं शायद से पिकाचू को ला दूंगा, क्योंकि पिकाचू को भाई शायद से थोड़ा सा ही बाकी है। इस बार ना अपन सोलार बीम मारते, क्योंकि मेरे को लगता है सोलार बीम ज़्यादा रहेगा इफेक्टिव। होप सो कि एक शॉट में चला जाए, होप सो, देखना पड़ेगा कि एक शॉट में जाएगा कि नहीं जाएगा। टेक डाउन का यूज़ किया ग्रावलेट ने और कुछ कर तो नहीं पाएगा ये। अच्छा उसको खुद को भी लग गया, ले भाई सोलार बीम खा। और ये अरे वन शॉट होते होते रह गया बे, वन शॉट होते होते रह गया भाई। ये क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, आग लगा दी बल्बसोर पे आग लगा दी। मैंने अपन सीड बूम करेंगे, वैसे बल्बसोर का लास्ट मैच है, क्योंकि इसके बाद में वापस से हील करने जाएगा बल्बसोर को। चलो बल्बसोर जीत गया और ये शायद से बल्बसोर अपना हो गया है 43 लेवल का, या 43 लेवल का बल्बसोर अपना हो चुका है। तो अभी बल्बसोर को ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अभी अपन बाकी की दो पोकेमॉन से अपने दैट इज स्क्वाटल और पिकाचू उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। अभी मैं फिलहाल स्क्वाटल को निकालता हूँ, क्योंकि सामने ग्राव लेते बेसिकली, इसलिए स्क्वाटल को। ऑब्वियसली भाई दिमाग का खेल भाई, कुछ भी भाई अटैक बढ़ेगा तो क्या हुआ। ब्लिजर्ड है, स्कल है, वाटर पल्स, मेरे पास आइस टाइप मूव दो हो गए बे, एक को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वाटर टाइप मूव बस एक ही है, ये वाटर पल्स, एक ही वाटर टाइप मूव है मेरे पास।
नहीं तो ना मैं ये स्कल इसको हटाएगा, अभी जो नेक्स्ट मूव आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा खुद को ही मार लिया भाई, अलग भाई। ग्रावलेट क्या गुंडा बनेगा बे, कंफ्यूजन में खुद को ही मार रहा है। आपस से ग्रावलेट, और इस बार भी स्क्वाटल लड़ेगा, और इस बार स्क्वाटल करेगा, कौन सा अटैक करेगा रुको जरा। बबल बीम है, ब्लीजर्ड है, स्कल डैश है, ब्लीजर्ड करके देखूंगा, शायद से ब्लीजर्ड इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा मेरे ख्याल से तो, पर ब्लीजर्ड क्योंकि उसका ब्लीजर्ड का पावर ज़्यादा है तो देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ब्लीजर्ड का पावर बहुत ज़्यादा है मेरे पूरे स्क्वाटल के इसमें से, ब्लीजर्ड का पावर बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल हिट लगा तभी जाके इसका येल्लो पे आया भाई, नहीं तो इतना नहीं होता भाई ना अपना। यही ठीक है, बबल करते इस बार, बबल से भी हो जाए काम शायद से। लेट्स सी, बबल तो किया है और देखना पड़ेगा कि क्या बबल से इसका या पूरा जाएगा ऑब्वियसली। सुपर इफेक्टिव बे, हलवा समझा है क्या? स्क्वाटल को कम मत समझना क्योंकि अपना स्क्वाटल स्क्वाड का बंदा है भाई ये, एग्रेसिव। थैंक यू नोज फॉर प्लेइंग विद। अरे नहीं नहीं नहीं, इवॉल्व नहीं होना। अरे सर तेरे को इवॉल्व नहीं होना भाई, तू इवॉल्व हो रहा है क्या कर रहा है बल्बस, और तेरे को इवॉल्व नहीं होना है ना ब्रो। एक्चुअली मेरा एवर स्टोन जो है वो किसी को तो दिया है एवर स्टोन, वो इवर स्टोन इसको वापस देने का है। इट टेक्स ग्रेट स्किल्स टू डिफीट माई पोलिस ट्रेन K9 यूनिट, आई थिंक यू हैव अर्नड योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। थैंक यू नर्जॉय, अपना सॉरी नर्जॉय क्यों बोल रहा है भाई, ऑफिसर जेनी है वो, नर्जॉय क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको हर बार। कंटेंट सेफ गार्ड, ओह सेफ गार्ड मिल गया, नाइस। सेफ गार्ड वैसे मैं किसी को सिखा सकता हूँ क्या? सिखा तो सकता हूँ किसी को तो क्या। अरे हाँ, यहाँ से भाई और पत्थर गिरा था भाई लास्ट एपिसोड में, जिसने लास्ट एपिसोड देखा देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी की प्ले लिस्ट की लिंक है, मैं उतने बचाया था हमको लेकिन इधर से। सो यार गाइस, आज के वाले एपिसोड में इतना ही काफ़ी है। सो गाइस आज भी मज़ा आया। सो थोड़ा चोर को पकड़ने के चक्कर में अपन ही फंस गए भाई, वो चोर था ही नहीं, उनका ट्रेनिंग चल रहा था ऑफिसर जेनी का, और उसके साथ अपना बल्बसॉर भी हो गया अभी 43 का फाइनली, और मज़ा आया ऑफिसर जेनी के साथ थोड़ा ट्रेनिंग करके। सो गाइस आज के एपिसोड में इतना काफ़ी है। अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, अभी का अभी जाओ नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि YouTube ने अपने पेज से बजा रखी है, क्योंकि रीच बीच की पूरी बैंड बजा रखी है YouTube ने। सया प्लीज़ एक लाइक कर दो और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ ताकि अपने चैनल की रीच वापस से बढ़ जाए, है कि नहीं। सो गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। कि अपनी ऐश की ग्रे की जर्नी, ऐश की ग्रे की क्या भाई, ऐश की जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तो और बहुत ज़्यादा बाकी है, तो आपको भी हमारे साथ जर्नी में जुड़े रहना है। सो या मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, टाटा। ये है